Kumar and welcome on platform. Today we will discuss about linear differential equation with constant coefficient, very most important topic, and we will do very most important examples for B and BSc second semester students of various universities. Please follow me, like, share and comment me. Thank you so much. Hello dear friends, kaise hain aap sabhi? I am Amresh Kumar and welcome. So aaj hum karne wale hain linear differential equation with constant coefficient. Very most important examples for B and BSc second semester students of various universities. तो बच्चों इसमें हम करेंगे बेसिकली, मैं आपको पहले बता दूं कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट होती क्या है. जैसे इसने कहा हुआ है इस एग्जांपल में कि सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन. बच्चों आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, इसमें क्या है, इक्वेशन की जो डिग्री है वो वन होगी. कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसकी डिग्री वन होगी और जो कोएफिशिएंट्स होंगे सभी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स के, वो सभी क्या होंगे, कांस्टेंट. यहाँ पे क्या है, 2d³y/dx³ - 7d2y/dx² + 7dy/dx - 2y = 0. तो यहाँ पे ऑर्डर कितना है, ऑर्डर आपका वन से ज़्यादा हो सकता है, ऑर्डर आपका वन से ज़्यादा है, यहाँ पे थ्री है, ठीक है. और हाईएस्ट डिफरेंशियल कोएफिशिएंट की जो पावर कितनी है आपकी, वन है. तो इसलिए इस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री कितनी है बच्चों, वन. तो हम इस चैप्टर में डील करेंगे ऐसी ही डिफरेंशियल इक्वेशंस के साथ जो कांस्टेंट कोएफिशिएंट के साथ होंगी और जो लीनियर होंगी. फर्स्टली हम डील कर रहे हैं जब आपकी राइट साइड जीरो होगी. सेकेंडली हम फिर नेक्स्ट वीडियो में डील करेंगे जब आपकी जो इक्वेशंस हैं वो राइट साइड में नॉन जीरो टर्म्स होगी. उनको कैसे सोल्व करते हैं उनको भी देखेंगे. पहले सिंपली हम इसको सोल्व कर लेते हैं कि ये कैसे सोल्व होगी. बच्चों जो तरीका इसका सोल्व करने का होगा, हाफ जो मेथड इसमें होगा वो हाफ मेथड उनमें भी चलेगा. तो प्लीज़ आप इसको बिल्कुल ध्यान से करें. तो फर्स्टली जो स्टेप होगा हमारा, क्या करना है, आपने पुट करना है गिवन इक्वेशन में, पुट d/dx = D. तो बच्चों जैसे ही d/dx को कैपिटल D पुट करेंगे आप, तो ये बन जाना है आपका 2d³y - 7d² + 7dy - 2y. y ओवरऑल कॉमन आ जाएगा, तो y ओवरऑल कॉमन है बच्चों, बना क्या है यहाँ से 2d³ - 7d² + 7d - 2y = 0. बच्चों उसके बाद हम लिखते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन. ऑक्सिलरी इक्वेशन इज y को आप यहाँ से हटा देंगे थोड़ी देर के लिए, तो जो बचा है आपके पास वो लिखेंगे हम 2d³ - 7d² + 7d - 2 = 0. फिर हमने क्या करना होता है बच्चों, ऑक्सिलरी इक्वेशन जो भी आती है उसके रूट फाइंड करने होते हैं. फर्स्टली हम फर्स्ट रूट बाई इंस्पेक्शन फाइंड करते हैं एंड अगेन सिंथेटिक डिवीजन. तो बाय इंस्पेक्शन मैंने चेक किया कि d = 1 इज अ रूट ऑफ इक्वेशन. तो 1 इसका रूट है यहाँ पे इक्वेशन का, आप पुट करके देख सकते हैं, 0 बना देगा इसको, रूट वही होता है. तो 2 1 क्यूब 2 2 1 जा 2 माइनस 7 2 माइनस 7 माइनस 5 प्लस 7 माइनस 2, कितना बना आपका 5 5 माइनस 5 0. तो हमारा d = 1 क्या है बच्चों, इक्वेशन का रूट. अब 1 से हम इसको सिंथेटिक डिवीजन कर देंगे. बच्चों सिंथेटिक डिवीजन का प्रोसेस बता देता हूँ मैं आपको एक बार. जिस जो भी रूट बना है इक्वेशन का वो आप ऐसे यहाँ पे लिखेंगे, उसके बाद कोफिशियंट्स ऑफ डिफरेंशियल कोफिशियंट आप सभी यहाँ पे सीरियल वाइज लिखेंगे. d³ का कोफिशियंट क्या है बच्चों, 2. d² का कोफिशियंट क्या है, -7 लिखा आपने. d का कोफिशियंट क्या है बच्चों, 7 लिखा आपने. यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है हमारी, -2. बच्चों एक बात मैं ऐड कर दूँ यहाँ पे, अगर सपोज करो आपका यहाँ पे d ना होता तो हम उस d के प्लेस पे क्या पुट करते बच्चों, यहाँ पे 0 पुट करते. आपने किसी भी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट की पावर को स्किप नहीं करना है, ठीक है. नेक्स्ट स्टेप क्या होता है बच्चों, 2 को एज इट इज हम यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं. तो फिर टेबल चलाते हैं, 1 2 जा 2 यहाँ पे लिखेंगे, -7 + 2 कितना बना, -5. फिर 1 -5 -5 7 -5 कितना बना बच्चों, 2. फिर 1 2 जा 2 -2 2 0 बना बच्चों, 0 रिमाइंडर आएगा, 0 रिमाइंडर ही आना था क्योंकि 1 इक्वेशन का रूट था. एंड नेक्स्ट क्या होता है बच्चों, इक्वेशन अगर 3 डिग्री के आपकी, अगर इक्वेशन आपकी क्यूबिक है तो जो बाई सिंथेटिक डिवीजन आपका जो ये वाली चीज होती है, ये बच्चों कोशेंट बनता है हमारा. तो बाकी रूट कहाँ से निकालते हैं, कोशेंट को 0 के इक्वल पुट करते हैं. तो अगर 3 डिग्री इक्वेशन है तो जो कोशेंट बनेगा वो 2 डिग्री का बनेगा. अगर ये 4 डिग्री की होती बच्चों तो कोशेंट हमारा 3 डिग्री का बनता. तो अभी कितनी डिग्री का बनने वाला है, 2 डिग्री का. तो आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, d² + d और प्लस कांस्टेंट टर्म लिख देंगे. उसके बाद जो ये कोएफिशिएंट होता है 2 यहाँ पे, ये d² के साथ में लिखना होता है, -5d के साथ में, और प्लस जो भी है ये कांस्टेंट टर्म होती है आपकी = 0. उसके बाद आप इसके रूट निकाल लो कि कितने रूट निकालेंगे बच्चे, इसके 2 रूट इसके निकलेंगे क्योंकि 3 डिग्री की क्वेश्चन है, टोटल 3 रूट निकलने चाहिए. तो इसके रूट आप बाई कंप्लीटिंग द स्केयर भी फाइंड कर सकते हैं या वट एवर आप
बाय सेपरेटिंग द मिडिल टर्म भी कर सकते हैं। तो इसका प्रोसेस क्या होता है बच्चों, टू टू जा फोर, फोर कैसे फैक्टर करना है जिनको ऐड करके फाइव आए। तो नेक्स्ट स्लाइड में मैंने किया हो बच्चों, टू डी स्क्वेयर माइनस फोर डी माइनस डी प्लस टू इक्वल टू जीरो। तो आप देखेंगे यहाँ पे फर्स्ट टू टर्म से क्या कॉमन आ रहा आपका टू डी, तो बचा क्या डी माइनस टू, माइनस वन नेक्स्ट टू से तो डी माइनस टू, तो ओवरऑल आपका डी माइनस टू कॉमन है, डी माइनस टू यहाँ से टू डी यहाँ से माइनस वन, तो डी माइनस टू टू डी माइनस वन इक्वल टू जीरो। तो टोटल रूट एक हमारा वन रूट था, एक टू आया अभी, और एक यहाँ से क्या आएगा बच्चों वन बाई टू। तो हमारे पास क्या है बच्चों, तीन रूट है, इन तीन रूट पे बच्चे सोल्यूशन डिपेंड करेगा। अगर तो आपके तीनों रूट बच्चों डिफरेंट हैं और आपके रियल हैं, तो मैं आपको बता दूं बच्चों ये फॉर्मूला नोट कर लेंगे आप सभी, लिखा हुआ इफ रूट्स m1 m2 m3, सपोज करो किसी इक्वेशन के रूट आए m1 m2 m3, अगर तीनों ही रियल हैं और डिस्टिंक्ट हैं, तो सॉल्यूशन जो होता है बच्चों ये होता है y इक्वल टू c1 एक्सपोनेंशियल पहले वाला रूट m1x प्लस c2 एक्सपोनेंशियल m2x प्लस c3 एक्सपोनेंशियल m3x। ये बच्चों फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब ये जो c1 c2 c3 इनके प्लेस पे आप कोई भी वेरिएबल रख सकते हैं, a b c व्हाटएवर। अब अपने केस में, हमारे केस में क्या है बच्चों, जो रूट हैं वो तीनों ही क्या हैं, डिस्टिंक्ट हैं और बच्चों रियल हैं। तो सॉल्यूशन क्या होगा, वाई इक्वल टू सी वन एक्सपोनेंशियल एक्स प्लस सी टू एक्सपोनेंशियल दूसरे वाला रूट टू एक्स प्लस सी थ्री एक्सपोनेंशियल थर्ड वाला रूट एक्स बाई टू। अब बच्चों इसमें कन्फ्यूज नहीं होना, आप किसी को भी एम वन एम टू एम थ्री मान सकते हो, आप इसको इस ऑर्डर में भी लिख सकते थे, वन बाई टू पहले, फिर आपका वन, फिर आपका टू, ठीक है बच्चों। उसके बाद मैं इसी में बच्चों आपको एक दो स्टेप और बता देता हूँ। अगर सपोज करो किसी केस में क्या हो, दो रूट सेम होते हैं अगर यहाँ पे बच्चों और एक डिस्टिंक्ट होता, तो उस केस में जो सोल्यूशन होता बच्चा क्या होता, y इक्वल टू सी वन प्लस सी टू एक्स, सेम की वजह से क्या फॉर्मूला होता है बच्चों, y इक्वल टू सी वन प्लस सी टू एक्स एक्सपोनेंशियल एम वन एक्स, और फिर ये डिफरेंट के लिए प्लस सी थ्री एक्सपोनेंशियल एम थ्री एक्स। और सपोज करो बच्चों तीनों ही रूट आपके सेम आ जाए, तो उस केस में होता है फॉर्मूला y इक्वल टू सी वन प्लस सी टू एक्स प्लस सी टू एक्स स्क्वायर। तो ये बढ़ता चला जाता है बच्चों एक्सपोनेंशियल एम वन एक्स, क्योंकि एम वन एम टू एम थ्री सेम है। अगर चार होते तो सी वन प्लस सी टू एक्स प्लस सी थ्री एक्स स्क्वायर प्लस सी फोर एक्स क्यूब हो जाता। तो अपने केस में बच्चों तीनों रूट डिस्टिंक्ट हैं और रियल हैं, तो यही वाला फॉर्मूला लग जाएगा, सेपरेट तीनों आ जाएंगे, c1 एक्सपोनेंशियल x प्लस c2 एक्सपोनेंशियल 2x प्लस c3 एक्सपोनेंशियल x by 2। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों मोस्ट इंपोर्टेंट है, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन d4y / dx4 + a4y = 0। सबसे पहले सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे, पुट करेंगे d / dx को d, तो क्या बनेगा बच्चों d4 + a4y इज कॉमन। ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाते हैं बच्चों, उसके बाद ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बनी यहां पे d4 + a4 = 0। अब बच्चों हमें फाइंड करने हैं रूट। अब बच्चों देखो बाय इंस्पेक्शन जो है इस इक्वेशन के रूट आपको उससे फाइंड नहीं होंगे, तो मैंने एक लॉजिक लगाया, मैंने देखा कि यहां पे d4 जो है d स्क्वायर का स्क्वायर बन रहा है और a4 क्या बच्चों a स्क्वायर का स्क्वायर बन रहा है। तो अगर मैं d स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का होल स्क्वायर करूं, तो मेरे पास क्या आएगा बच्चों d4 प्लस a4 प्लस 2d स्क्वायर a स्क्वायर। तो इट मींस मैं d4 प्लस a4 के प्लेस पे क्या रख सकता हूं बच्चों d स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस इधर ले आओ इसको 2d स्क्वायर a स्क्वायर। तो d रेज टू द पावर 4 प्लस a रेज टू द पावर 4 के प्लेस पे बच्चों क्या लिखा हमने d स्क्वायर प्लस a स्क्वायर रेज टू द पावर 2, और इसको इधर ले आए आप माइनस 2d स्क्वायर a स्क्वायर। उसके बाद बच्चों इसके ध्यान से देखो आप इसमें ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, बट उसके लिए आपका ये कंप्लीट स्क्वेयर बनना चाहिए। तो इसको मैंने लिख दिया माइनस अंडर रूट टू डी ए होल स्क्वेयर। तो ये बना बच्चों ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का फॉर्मूला। तो ये बच्चों ए है आपका पूरा डी स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर, ये बच्चों बी है रूट टू डी ए, तो हमारा फॉर्मूला बनेगा ए प्लस बी। तो क्या बना बच्चों ए मीन्स डी स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर प्लस रूट टू डी ए इंटू, फिर बच्चों क्या होता है a माइनस बी मीन्स डी स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर माइनस अंडर रूट टू डी ए इक्वल टू जीरो। अब टू फैक्टर्स हैं, आइदर वन ऑफ देम जीरो, एक बार इसको जीरो के इक्वल पुट करेंगे बच्चों, दो रूट यहां से आएंगे, दो रूट यहां से आएंगे। टोटल डिग्री कितनी थी बच्चों, चार डिग्री की इक्वेशन थी, तो चार ही रूट आने चाहिए। तो दो इस फैक्टर से आएंगे, दो इस फैक्टर से आएंगे। तो मैंने पहले फर्स्ट फैक्टर को लिया डी स्क्वेयर माइनस अंडर रूट टू डी ए प्लस ए स्क्वेयर इक्वल टू जीरो। बच्चों इसमें मैंने डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला लगाया माइनस बी, बी क्या है बच्चों यहाँ पे आपका माइनस अंडर रूट टू ए, तो माइनस पहले से ही है वहाँ पे, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आपका, तो ये बन जाएगा रूट टू ए प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर। बी स्क्वेयर क्या होगा बच्चों, रूट टू का स्क्वेयर टू ए स्क्वेयर, टू ए स्क्वेयर माइनस फोर ए स्क्वेयर, क्योंकि क्या फॉर्मूला होता है डी माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर माइनस फोर ए सी। तो फोर ए, ए क्या है वन, सी क्या है बच्चों ए स्क्वेयर बाई टू। सिमिलरली इसमें अप्लाई करेंगे, यहाँ पे चेंज क्या है बस प्लस है, यहाँ पे माइनस बी आ जाएगा माइनस अंडर रूट टू ए, बाकी सेम प्लस माइनस अंडर रूट टू ए स्क्वेयर माइनस फोर ए स्क्वेयर बाई टू। सिंप्लीफाई करते हैं बच्चों इसको, तो ये बना रूट टू ए प्लस माइनस अंडर रूट, अब टू ए स्क्वेयर माइनस फोर ए स्क्वेयर क्या बना बच्चों माइनस टू ए स्क्वेयर बाई टू। सिमिलरली यहाँ पे भी यही बनेगा, माइनस प्लस बस माइनस है यहाँ पे प्लस चलेगा, तो अंडर रूट टू ए प्लस माइनस माइनस का टू अंडर रूट क्या बन गया बच्चों आयोटा ए अंडर रूट टू बाई टू। डी इक्वल टू यहाँ से क्या है माइनस साइन है बस सेम चलेगा बच्चों, तो ये क्या बनना बच्चों सेपरेट कर दो आप इसको रूट टू
उसे आप 2 को कैंसिल कर दो तो रूट 2 बचेगा। तो सेपरेट किया आपने डेनोमिनेटर को, पहले इसके साथ रूट 2 ए बाई 2, तो ये बनेगा ए बाई रूट 2 प्लस माइनस आयोटा, ये क्या बनेगा ए बाई रूट 2। यहाँ पे फर्क क्या होगा बच्चों को, यहाँ पे माइनस साइन है, माइनस ए बाई रूट 2 प्लस माइनस ए बाई रूट 2। ठीक है बच्चों, तो दो आपके पास कॉम्प्लेक्स रूट आए, ए बाई रूट 2 प्लस माइनस ए बाई अंडर रूट 2 एंड माइनस ए बाई अंडर रूट 2 प्लस माइनस ए बाई अंडर रूट 2। टोटल 4 रूट्स हैं बच्चों, बट हम कॉम्प्लेक्स रूट्स के केस में क्या करते हैं बच्चों, पेयर में लेते हैं। देखो फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है कि इफ अल्फा प्लस माइनस आयटा बीटा इज रूट, देन द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन इज एक्सपोनेंशियल अल्फा एक्स इनटू सी वन कॉस बीटा एक्स प्लस सी टू साइन बीटा एक्स। बच्चों इस टाइप का फॉर्मूला होता है, तो कंपेयर करो अल्फा क्या है यहाँ पे ए बाई रूट टू, बीटा क्या है बच्चों ए बाई रूट टू, तो फॉर्मूला क्या बनेगा एक्सपोनेंशियल। अब पहले इन्होंने इसको इसके लिए लिख दिया बच्चों, वो वट एवर किसी के लिए भी लिख सकते हैं आप, दोनों पेयर एक एक बार लेके चलेंगे। तो इसको पेयर को पहले लिखा है इन्होंने, तो यहाँ पे अल्फा क्या है माइनस ए बाई अंडर रूट टू, तो क्या होगा एक्सपोनेंशियल अल्फा एक्स, तो एक्सपोनेंशियल माइनस ए बाई अंडर रूट टू एक्स इंटू सी वन कॉस बीटा एक्स ए बाई अंडर रूट टू एक्स प्लस सी टू साइन ए बाई अंडर रूट टू एक्स प्लस। अब बच्चों इसके लिए होगा, इसके लिए आ गया क्या, यहाँ पे अल्फा क्या है प्लस का ए बाई अंडर रूट टू, तो क्या बन गया एक्सपोनेंशियल ए बाई अंडर रूट टू एक्स इंटू सी थ्री कॉस ए बाई अंडर रूट टू एक्स प्लस सी फोर साइन ए बाई अंडर रूट टू एक्स। ठीक है बच्चों, अगर आपको नहीं समझ आया तो प्लीज आप वीडियो को रिमाइंड करके देख लें, और आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है प्लीज आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, मुझे ज्यादा से ज्यादा फॉलो करें, लाइक करें और शेयर करें, और कोई भी क्वेरी है कोई भी डाउट है मुझे कमेंट करके बताएं। हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम्स ऑन प्लिन, हम नेक्स्ट पार्ट लेके आए हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कॉन्स्टेंट कोएफिशिएंट। तो इसमें बच्चों पिछली वीडियो में हमने किया था इक्वल टू जीरो वाले, और इसमें कर रहे हैं इक्वल टू नॉन जीरो टर्म्स वाले। बच्चों ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जांपल हैं, आते हैं इस तरह के एग्जांपल्स एग्जाम में, तो बच्चों इसको बड़े ध्यान से करेंगे, और अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है प्लीज आप उसको देख लें। तो बच्चों इसमें दिया हुआ आपको सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन डी टू वाई बाई डी एक्स के प्लस सिक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस 25y। बच्चों इस टाइप की तो वहां पे भी थी, इक्वल टू में वहां जीरो था, यहाँ पे फर्क क्या है इक्वल टू में यहाँ पे क्या है कोई नॉन जीरो टर्म देगा। बच्चों इस टाइप की जो नॉन जीरो टर्म्स हैं, यहाँ पे हमारी सिक्स टाइप्स की बनती हैं इस चैप्टर में, इस कोर्स में, तो मैं आपको सिक्स की सिक्स टाइप्स कराऊंगा, तो बच्चे बड़े ध्यान से देखेंगे, बिल्कुल ईजी लगेगा आपको। तो इसमें क्या है, फर्स्टली वही सेम करेंगे, पुट करेंगे डी बाई डी एक्स को डी, तो बच्चों सिम्बोलिक फॉर्म ऑफ द इक्वेशन क्या बनी, डी स्क्वेयर प्लस सिक्स डी प्लस 25 इंटू वाई इक्वल टू 104 एक्सपोनेंशियल 3x। ठीक है बच्चों, उसके बाद ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाते हैं हम। इसमें आपने अभी राइट साइड में जो नॉन जीरो टर्म है इसके लिए कोई वर्क नहीं करना है, इसके लिए अलग से वर्क होगा मैं बताऊंगा। अभी पीछे जैसे क्वेश्चन किया है हमने, बिल्कुल सेम मैनर में चलेंगे बच्चों, सेम वे में बिल्कुल। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बनेगी, डी स्क्वेयर प्लस सिक्स डी प्लस 25 इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से हम इक्वेशन के रूट निकालते हैं बच्चों, तो रूट निकाले इसने डिस्क्रिमिनेंट वाले फॉर्मूला से, तो b क्या है हमारे यहाँ पे 6, a क्या है 1, c क्या है बच्चों यहाँ पे 25। तो क्या फॉर्मूला बनेगा, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्केयर माइनस 4ac बाई 2a। तो बच्चों क्या बना, d इक्वल टू माइनस 6 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर, बी मीन्स 6, 6 स्केयर 36 माइनस 4ac, 4a 4 1 जा 1, 4 25 जा 100, 36 माइनस 100 बना बच्चों बाई में 2a, a क्या है हमारा 1, तो 2 बन गया। इसको सिंप्लीफाई करें, माइनस सिक्स प्लस माइनस 36 माइनस 100 क्या बना बच्चों, माइनस 64 बना बाई 2, तो ये बना माइनस सिक्स प्लस माइनस 64 किसका, इसके रूट होता है बच्चों 8 का, तो 8 माइनस 1 का बन गया आयोटा, तो माइनस सिक्स प्लस माइनस 8 आयोटा बाई 2। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें बच्चों अगर हम, तो क्या बनेगा, न्यूमरेटर से आप 2 कॉमन ले सकते हैं, तो बनेगा 3 माइनस 3 प्लस माइनस 4 आयोटा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास मिलेगा डी इक्वल टू माइनस 3 प्लस माइनस 4 आयोटा। ठीक है बच्चों, अब देखो मैं बताता हूँ आपको राइट साइड में जो नॉन जीरो टर्म है इसका यहाँ पे क्या यूज होगा। अभी अगर ये क्वेश्चन सपोज करो यहाँ पे इक्वल टू जीरो होता, तो बच्चों आप डायरेक्ट सोल्यूशन लिखते। अभी जब राइट में नॉन जीरो टर्म है आपकी, तो इसके प्लेस पे आप करेंगे सोल्यूशन के प्लेस पे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, तो बच्चों उसमें हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखते हैं सोल्यूशन के प्लेस पे, कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज व्हाट, फॉर्मूला सेम रहेगा जो फॉर्मूला वहां पे थे। अल्फा क्या है बच्चों यहाँ पे, अल्फा प्लस माइनस आयटा बीटा है, पेयर में है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पेयर में है, तो बच्चों अल्फा क्या है माइनस 3, तो क्या बन जाएगा एक्सपोनेंशियल अल्फा एक्स, तो एक्सपोनेंशियल माइनस 3x इंटू सी वन बीटा, बीटा क्या है बच्चों 4, तो सी वन कॉस बीटा एक्स प्लस सी टू साइन बीटा एक्स। ये तो बना कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, इतना प्रीवियस वीडियो में हम कर भी चुके हैं। जो नया है बच्चों यहाँ पे सिर्फ क्या आपके लिए, कि पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना है, इसको पर्टिकुलर इंटीग्रल बोलते हैं। पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने का बिल्कुल सिंपल सा तरीका है, क्या करना है आपने, 1 बाई ऑक्सिलरी इक्वेशन जो भी बनी है आपकी एस डी लिख ले डेनोमिनेटर में, तो 1 बाई क्या लिखेंगे डी स्क्वायर प्लस 6d प्लस 25 इंटू,
अब जो भी राइट साइड में आपकी नॉन जीरो टर्म है विदाउट वाई वाली बच्चों, उसको यहाँ पे लिखेंगे 104 एक्सपोनेंशियल 3x जो भी है आपका। अब बच्चों देखो, मैंने राइट साइड यहाँ फॉर्मूला लिखा हुआ है, क्या है कि अगर आपके पास 1 बाई एफ ऑफ डी एक्सपोनेंशियल ए एक्स टाइप फॉर्म है, तो बच्चों सिंपली आप उसमें डेनोमिनेटर में डी के प्लेस पे ए पुट कर देते हो, 1 अपॉन एफ ऑफ ए, और एक्सपोनेंशियल ए एक्स हमारा बन जाता है। तो अपने केस में बच्चों, इसको अगर हम इस फॉर्मूले से कंपेयर करें बच्चों, तो यहाँ पे अपने केस में 104 का कोई रोल नहीं है, 104 आपका कॉन्स्टेंट है, वो आपका बाहर आ जाएगा आउटसाइड। तो एक्सपोनेंशियल ए एक्स से कंपेयर करें, ए कितना है बच्चों यहाँ पे 3, तो आपने सिंपली डी के प्लेस पे क्या पुट करना है 3, तो 3 स्क्वायर क्या बना बच्चों 9, 6 3 जा 18 प्लस 25, तो ये बना बच्चों आपका 104 बाई 9 प्लस 18 27 प्लस 25 52, तो 104 बाई 52 क्या बना बच्चों 2, तो 2 एक्सपोनेंशियल 3x बन गया बच्चों आपका, ये बन गया 2 एक्सपोनेंशियल 3x। अब बच्चों जो कंप्लीट सोल्यूशन होता है आपका इस केस में यहाँ पे क्या होता है, दस द कंप्लीट सोल्यूशन इज y इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीगर, ठीक है बच्चों। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या था आपका, एक्सपोनेंशियल माइनस 3x इंटू सी वन कॉस 4x प्लस सी टू साइन 4x प्लस, और आपका पर्टिकुलर इंटीगर क्या क्या है बच्चों 2 एक्सपोनेंशियल, यहाँ पे क्या बच्चों 3x होगा यहाँ पे, तो ये बनेगा 2 एक्सपोनेंशियल 3x। तो दिस इज द रिक्वायर्ड कंप्लीट सोल्यूशन, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट हम टाइप करेंगे यहाँ पे राइट साइड जो नॉन जीरो टर्म है, ये आपकी चेंज है यहाँ पे, ये देखिए मिक्स है बच्चों, इस तरह का भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैंने लगाया हुआ पहले मार, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आइए करते हैं। तो इसमें फर्स्टली वही सेम चलेगा, सिंबॉलिक फॉर्म लिखेंगे आप डी के, डी बाई डी एक्स के प्लेस पे डी रखेंगे, तो क्या बनेगा डी क्यू प्लस 1 इंटू वाई इक्वल टू जो भी आपकी राइट साइड टर्म है वो। तो फर्स्टली ऑक्सिलरी इक्वेशन के लिए क्या करते हैं, आपने सिर्फ डी क्यू प्लस 1 को उठाना है, इसको आपने जीरो मानना है, तो इक्वल टू जीरो आपने करके सोल्व करना है इसको। अब ये सिंपली बच्चों फॉर्मूला बन रहा है ए क्यू प्लस बी क्यू का, फॉर्मूला लिखा हुआ मैंने इधर कि ए क्यू प्लस बी क्यू इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस ए बी। फॉर्मूला अप्लाई करें तो ए कितना है बच्चों डी, बी कितना है हमारा यहाँ 1, तो ए प्लस बी मीन्स डी प्लस 1 ए स्क्वेयर डी स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 1 माइनस ए बी डी इंटू 1 डी माइनस डी, तो बच्चों ये बना। तो एक रूट तो आ गया बच्चों क्या आपका इस वाले फैक्टर से, डी इक्वल टू माइनस 1 रूट आ गया। सेकेंड रूट जो आएगा बच्चों यहाँ से आएंगे दो रूट इसके, तो उसको आप डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला से बना दें, तो ए क्या है बच्चों यहाँ पे 1, बी क्या है माइनस 1, सी क्या है 1, तो फॉर्मूला क्या बनेगा माइनस 1 माइनस बी, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर, 1 स्क्वेयर 1 माइनस 1 स्क्वेयर प्लस 1 होगा माइनस 4 ए सी, 4 इंटू 1 4 इंटू 1 4, तो क्या बन गया बच्चों 1 प्लस माइनस 1 माइनस 4 बाई 2 ए, तो बच्चों क्या बना 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस 4 बाई 2, तो जो रूट्स आए बच्चों क्या आए माइनस 1 एंड 1 बाई 2 प्लस माइनस आएटा अंडर रूट 1 माइनस 4 क्या बनेगा माइनस 3, तो आई प्लस माइनस आई टन रूट 3 बाई 2। अब बच्चों ये मैंने बताया हुआ आपको कि एक रूट तो देखो रियल है और दूसरा रूट जो है हमारा कॉम्प्लेक्स पेयर में है, तो जो रियल है उसके लिए तो सिंपली फॉर्मूला लगेगा सी वन एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स बन गया प्लस, इसमें क्या है बच्चों अल्फा 1 बाई 2 है तो एक्सपोनेंशियल अल्फा एक्स, तो एक्सपोनेंशियल एक्स बाई 2 इंटू सी 2, बीटा क्या है बच्चों अंडर रूट 3 बाई 2, सी 2 कॉस अंडर रूट 3 बाई 2 एक्स प्लस सी 3 साइन अंडर रूट 3 बाई 2 एक्स बनेगा बच्चों। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट पार्ट है बच्चों उसमें वो कराता हूँ मैं आपको, जिसमें बड़ी कन्फ्यूजन होती है बच्चों को, ध्यान से देखेंगे इसको। उसके बाद है हमारे पास पर्टिकुलर इंटीगल, पर्टिकुलर इंटीगल में क्या है बच्चों, मैंने बताया था जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में सिमिलर होगा बिल्कुल, कि 1 बाई जो भी आपकी ऑक्सिलरी इक्वेशन है उसको लिख लें, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या है बच्चों यहाँ पे डी क्यू प्लस 1, तो 1 बाई डी क्यू प्लस 1 इंटू इंटू में बच्चों जो भी राइट साइड टर्म होती है आपकी वो पूरी लिखने लिए होती है हमने कंप्लीट, तो क्या है यहाँ पे 3 प्लस एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स प्लस 5 एक्सपोनेंशियल 2x। तो बच्चों आप क्या करेंगे, इसमें बड़ा कन्फ्यूजन रहता है कि इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाएं, तो बच्चों प्लस है बीच में तो आप प्लस पे आप सबको सेपरेट कर देंगे, 3 के साथ अलग मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 3 इंटू 1 बाई डी क्यू प्लस 1। अब बच्चों यहाँ पे मैंने देखो एक्सपोनेंशियल 0x लिख दिया, क्यों, क्योंकि 3 तो देखो कॉन्स्टेंट है, अब इसके साथ में कुछ नहीं है, लेकिन पर्टिकुलर इंटीग्रल के केस में क्या होता है बच्चों, हमने डी को एलिमिनेट करना होता है डिनोमिनेटर से, बट यहाँ डी एलिमिनेट नहीं होगा, तो डी को एलिमिनेट करने के लिए हमने क्या किया बच्चों, इसको मैं लिख सकता हूँ एक्सपोनेंशियल 0x लिख सकता हूँ, क्योंकि एक्सपोनेंशियल 0x क्या होता है बच्चों 1। अब इसमें फॉर्मूला प्रीवियस लग जाएगा कि 1 बाई एफ ऑफ डी इंटू एक्सपोनेंशियल ए एक्स, ए क्या है यहाँ पे 0, तो सिंपली डी के प्लेस पे आप ए पुट कर देंगे, 0 पुट कर देंगे। नेक्स्ट प्लस 1 बाई डी क्यू प्लस 1 एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स एज इट इज प्लस, फिर इसके साथ प्रोडक्ट होगी तो क्या होगा 5 कॉन्स्टेंट आपका बाहर आ गया, 1 बाई डी क्यू प्लस 1 इंटू एक्सपोनेंशियल 2x आ गया बच्चों। नेक्स्ट तो यहाँ तो बच्चों ए क्या है 0, सिंपली डी के प्लेस पे 0 रखें तो 3 इंटू 1 बाई 0 प्लस 1 एक्सपोनेंशियल 0x प्लस। अब बच्चों ये भी क्या है यहाँ पे एक्सपोनेंशियल एक्स टाइप है, तो ए कितना है यहाँ पे माइनस 1, तो आप माइनस 1 पुट करेंगे डी के प्लेस पे, माइनस 1 क्यूब बच्चों माइनस 1 ही होता है, तो 1 बाई माइनस 1 प्लस 1 एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स प्लस 5 इंटू,
अब बच्चों यहाँ भी क्या है आपका एक्सपोनेंशियल एक्स टाइप है, तो ये क्या बनेगा बच्चों, ए क्या है यहाँ पे टू, तो डी की प्लेस पे क्या रखेंगे टू, टू क्यूब प्लस वन इंटू एक्सपोनेंशियल टू एक्स। अब बच्चों देखो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट केस है यहाँ पे, अगर आप मिडिल टर्म देखें तो क्या बन रही है वन अपॉन माइनस वन प्लस वन, तो ये क्या बन गया बच्चों वन अपॉन जीरो, समथिंग अपॉन जीरो क्या होता है बच्चों इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी प्लस समथिंग आपका इन्फिनिटी, इन्फिनिटी प्लस समथिंग इन्फिनिटी, तो ओवरऑल तो इसका मतलब इन्फिनिटी हुआ, बट सोल्यूशन हमारा क्या होता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल, तो जब आप कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को ऐड करोगे पर्टिकुलर इंटीग्रल के साथ तो पर्टिकुलर तो इन्फिनिटी हो चुका होगा, इन्फिनिटी इन्फिनिटी तो इन्फिनिटी सोल्यूशन नहीं होगा, तो बच्चों इसको कहते हैं हम केस फेल, जब डेनोमिनेटर में आपका जीरो आ जाए कहीं पे केस फेल। इसका एक ही फॉर्मूला है बच्चों हर केस में सेम लगता है, आप इसको बड़े अच्छे से याद रखेंगे, देखो मैं बताता हूँ आपको फॉर्मूला क्या है, आपने क्या करना होता है जब भी डेनोमिनेटर में जीरो बन जाए तो एक्स अपनी तरफ से लिखना होता है इंटू वन बाई जो भी आपका डेनोमिनेटर है उसका डिफरेंशिएशन कर देना होता है बच्चों आपने डी के रिस्पेक्ट में, और इनटू में जो भी राइट साइड है वो लिखनी होती है। देखो नेक्स्ट केस में किया हुआ मैंने, तो ये तो बना बच्चों थ्री एक्सपोनेंशियल जीरो एक्स वन, तो थ्री बाई वन भी बच्चों थ्री बना, ये तो थ्री बन गया प्लस। अब देखो बच्चों ये इसके जो केस फेल है यहाँ पे इसके प्लेस पे क्या होगा, मैंने बताया फॉर्मूला है लिखा हुआ इधर कि एक्स इंटू वन बाई डी डी ऑफ जो भी आपका डेनोमिनेटर है उसका डी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दो, और राइट साइड जो भी थी हमारी वो एस डी लिखे रहना, तो एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स, तो बच्चों क्या बन जाएगा थ्री प्लस एक्स इंटू वन बाई डी डी ऑफ डेनोमिनेटर। डेनोमिनेटर क्या है बच्चों, इसमें बड़ा कन्फ्यूजन रहता है, कहीं बच्चे डी बाई डी डी कर देते हैं कंप्लीट का, जबकि डेनोमिनेटर का हमने डेनोमिनेटर में ही डेरिवेटिव करना होता है डी के रिस्पेक्ट में, इंटू एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स वो चल ही रहा था बच्चों, यहाँ पे भी एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स था वो एस डी चलेगा, उससे कोई लेने देना नहीं हमारा। और जो पिछली बार नेक्स्ट वाली टर्म है क्या बन जाएगी टू क्यूब एट एट प्लस वन नाइन फाइव बाई नाइन एक्सपोनेंशियल टू एक्स, तो यही है फाइव बाई नाइन एक्सपोनेंशियल टू एक्स, तो क्या बन गया बच्चों थ्री प्लस एक्स इंटू वन बाई, अब नीचे डेरिवेटिव करो तो डी क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा बच्चों थ्री डी स्क्वायर, वन का क्या होगा जीरो, तो थ्री डी स्क्वायर एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स प्लस फाइव बाई नाइन एक्सपोनेंशियल टू एक्स, तो क्या बन गया बच्चों थ्री प्लस एक्स बाई थ्री। अब बच्चों देखो यहाँ पे जो डी स्क्वेयर का मीनिंग है इसको मतलब समझाता हूँ मैं, वैसे तो बच्चों अगर सिंपली डी एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स होता तो उसको मैं समझता डी क्या होता है डी बाई डी एक्स, मतलब डेरिवेटिव करना है आपने एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स का, और जब बच्चों डेनोमिनेटर में हो कि कहीं पे ये लिखा हो वन बाई डी एक्स लिखा हो, तो वन बाई डी स्टैंड्स फॉर इंटीग्रेशन बच्चों, सिंपली डी है तो डिफरेंशिएशन, वन बाई डी है बच्चों कहीं पे भी तो उसका मतलब इंटीग्रेशन समझा जाए, तो एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स को आप टू टाइम्स इंटीग्रेट करोगे बच्चों, जब एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स को इंटीग्रेट करोगे तो क्या होता है एक्सपोनेंशियल, बच्चों मैं बता दूं एक्सपोनेंशियल ए एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है एक्सपोनेंशियल ए एक्स बाई ए होता है बच्चों, ए क्या है यहाँ पे माइनस वन, तो पहली बार डेरिवेटिव करोगे तो सॉरी पहली बार इंटीग्रेशन करोगे फर्स्ट टाइम तो क्या आएगा एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स बाई माइनस वन, ठीक है बच्चों, बस डी स्क्वेयर है हमने टू टाइम्स इंटीग्रेट करना, अगेन इंटीग्रेट करोगे तो एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स अगेन बाई में माइनस वन, तो माइनस वन बच्चों प्लस हो गया, तो एच डी इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा, एच डी जाके देखो थ्री प्लस एक्स बाई थ्री और एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स प्लस फाइव बाई नाइन एक्सपोनेंशियल टू एक्स, और बच्चों कंप्लीट सोल्यूशन आपको पता ही है कि क्या होता है वाई इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो भी था हमने लिखा प्लस क्या हमारा बच्चों यहाँ पे प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल थ्री प्लस एक्स एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स बाई थ्री प्लस फाइव बाई नाइन एक्सपोनेंशियल टू एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों ये वाला हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तो आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है प्लीज मुझे आप फॉलो करें कमेंट करें ज्यादा से ज्यादा रेटिंग करें, और बच्चों ये जरूर बताएं आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है, कोई भी डाउट कोई भी क्वेरी हो प्लीज मुझे कमेंट करें।